कायम कर दिया जाए और जो जनरल छठा चरण में जो बहाल हुआ उसको जितना उनको पेमेंट मिल रहा है पूर्ण काल को उतना हम लोग को भी दिया जाए, क्योंकि सामान्य शिक्षक की वाती हम लोग की वैकेंसी हुई है। हम लोग भी टीचर एबिलिटी टेस्ट दिए हैं, हम लोग भी बीपीएड है एमपीएड है, उसके बाद से हम लोग नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं, उसके बावजूद सरकार जो है वो दोहरी नीति और सौतेलापन हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अंशकालीन हटा के पूर्णकालीन किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए। कौन कहता है करने के लिए? कहता कोई नहीं करने, लेकिन दो घंटा अब जाने से क्या फायदा, दूसरा काम हम कर नहीं सकते हैं। और हम लोग को उम्मीद है आज ना कल सरकार हम लोग को पेमेंट बढ़ाएगी, इसलिए आग्रह करने आए कि हम लोग को भी कम से कम फुल टाइम कर दिया जाए और जो जनरल छठा चरण में जो बहाल हुआ उसको जितना उनको पेमेंट मिल रहा है पूर्ण काल को उतना हम लोग को भी दिया जाए। तो हम लोग भी पूरा मेहनत करके आए हैं। कहाँ से आए हैं? हम भागलपुर से आए हैं। तो ये जो अभ्यर्थी शिक्षक हैं शारीरिक शिक्षक, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारी जो मांग है वो पूरी करें। मैडम कहाँ से हैं आप? जी मैं सिवान से हूँ। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी बस सिंपल सी यही मांग है जो सामान्य शिक्षक की वेतन है वो हमें दिया जाए, क्योंकि सामान्य शिक्षक की वाती हम लोग की वैकेंसी हुई है। हम लोग भी टीचर एबिलिटी टेस्ट दिए हैं, हम लोग भी बीपीएड है एमपीएड है, उसके बाद से हम लोग नेशनल इंटरनेशनल खेले हुए हैं, उसके बावजूद सरकार जो है वो दोहरी नीति और सौतेलापन हम लोग के साथ व्यवहार कर रही है और हम लोग की मतलब हम लोग के साथ बहुत ही गंदा व्यवहार कर रही है बिहार सरकार, क्योंकि वहीं पे एक कितना घंटा काम करते हैं? हम लोग 9 से 4 ड्यूटी करते हैं। तो एक ही घंटा करने का? जी है एक ही घंटा करने का, लेकिन 9 से 4 ही ड्यूटी करवाते हैं, कहीं भी कोई भी नहीं किसी भी स्कूल में नहीं छोड़ा जाता है, 9 से 4 ही ड्यूटी करवाई जाती है। और हमारी सैलरी मात्र ओनली 8,000 रुपया है और 8,000 रुपया से आजकल क्या होने वाला वो तो सबको पता है कि 8,000 रुपया में कैसे घर बसर चलेगा। तो हमारी सरकार से यही मांग है कि सामान्य शिक्षक के भांति हम लोग की भी सैलरी मिले बस। तो शारीरिक शिक्षक जो है इनका साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जो है सैलरी हमारी जो मानदेय है वो 8,000 है, उसको बढ़ाया जाए और हम लोग जो समय देते हैं उसका हमें सही भुगतान किया जाए। कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से आए हैं आप? रोहतास जिला सासाराम से। सासाराम से आए हैं? यस। क्या मांग है सरकार से आपकी? सरकार से हम लोग को अंशकालिक कर दिया गया है, हम लोग को पूर्णकालिक किया जाए और 2012 में जो सिलेक्शन हुआ था शारीरिक शिक्षा का अभी उनका वेतन 40,000, हम लोग का मात्र केवल 8,000 रुपया है, जबकि हम लोग 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल से अपना तेल लगा कर जाते हैं, तेल का भी किराया नहीं निकल पाता है। तेल का भी निकल? यस। कितना सैलरी मिलता है आप लोगों को? 8,000 रुपया मात्र सैलरी है। 8,000 सैलरी? यस। और काम कितना घंटा करते हैं? काम तो 2 ही घंटा है, लेकिन हम लोग 9 से 4 ही ड्यूटी करते हैं, 9 बजे से 4 बजे तक। कहता है 9 से 4 ड्यूटी करने के लिए? कभी हेडमास्टर भी कह देते हैं तो करना ही पड़ता है, लेकिन फिर बीच में हम लोग जाएंगे कहाँ 2 घंटे करने के बाद, कौन सा जगह मिलेगा हम लोग को? पार्ट टाइम जॉब? यस, पार्ट टाइम जॉब जैसा हो गया। और हम लोगों की गिनती शिक्षक में आती है, स्वास्थ्य अनुदेश, मतलब हम लोग का वर्क क्या है 2 घंटे में वो भी नहीं पता चल पाता है कि हम लोग क्या करना है। क्या नाम है आपका? कुमार राव बहादुर। तो ये सासाराम से जो है शिक्षक का भर्ती यहाँ पहुँचे हैं, इनका साफ माफ कीजिएगा शिक्षक है शारीरिक शिक्षक है, ये पहुँचे हैं जेडीयू कार्यालय सरकार से आग्रह करने के लिए कि इनकी जो मानदेय है इनका जो वेतन है उसमें वृद्धि किया जाए। और कुछ लोग और हैं उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं आप? हम लोग आए हैं बक्सर से सर। बक्सर से आए हैं? सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हम लोग को अंशकालीन हटा के पूर्णकालीन किया जाए और समान काम समान वेतन दिया जाए और राजकर्मी का भी दर्जा दिया जाए। हम लोग से जो 12 में जो ज्वाइन हुए हैं 2012 में 8 में उन लोग को 40,000 वेतन है, हम लोग को 8,000 में कैसे चलेगा सर? ड्यूटी भी तो आप 2 ही घंटा करते हैं? नहीं हम लोग 9 से 4 ड्यूटी करते हैं सर। कौन कहता है 9 से 4 ड्यूटी? एचएम करते हैं। एचएम कहते हैं? नौ एचएम उसको कहने पर बोलते हैं कि जिला से लेटर लाओ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पड़ेगा राजेश कुमार सर। तो ये तमाम जो अलग अलग बिहार के जिलों से आए हैं यहाँ जेडीयू कार्यालय के पास और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे जो अंशकालिक है उसे हटाकर पूर्णकालिक किया जाए। फिलहाल इस खबर इतना ही, हमारे साथ बने रहे और देखते हैं सर लाइव। नमस्कार।